अस्सलाम वालेकुम, ये प्रोटोन सेगा है 1300 सीसी इंजन के साथ और इसमें हमने हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हुई है, हो गई अभी। ये आ गया हमारा इंजन रूम, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और इंजन रूम में हमने वही सारे काम किए जो हम करते हैं। फिल्टर से पहले HHO का पाइप लगा दिया, ठीक है, ये ब्लू कलर का जो पाइप जा रहा है। फ़िल्टर से पहले हमने पाइप लगा दिया, HHO जो है वो फ़िल्टर से होते हुए इंजन में जाएगी, फ्यूल की बर्निंग मुकम्मल करेगी। इंजन इसका जैसे आज नया है, 1,00,000 किलोमीटर चलने के बाद भी वैसा ही नया होगा। इंजन ऑयल जो है वो बड़े आराम से डबल चल जाएगा, पिक पावर इंप्रूव हो जाती है और 30% सेविंग बड़े आसानी से मिल जाएगी। किट हमने पीछे डिगी के अंदर रखी है, ये हमने किट रख दी है, ठीक है। डिस्टिल वाटर इसके अंदर डलता रहेगा जब भी ज़रूरत पड़ेगी। लेवल इसके ऊपर गिवन है, ठीक, यहाँ साइड में दिया हुआ लेवल इस जगह पर, अगर आपको दिखा सकूँ तो ये रहा हाई लो मेंशन है इसके ऊपर। इसके ऊपर भी जो वो हाई लो मेंशन है, ये हाई से थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक कोने में हमने किट रख दी है, ठीक। एग्जॉस्ट की बात करें तो फ्यूल जब भी मुकम्मल बर्न होगा पानी इसी तरह से आएगा जिस तरह से अभी आ रहा है, एक कार्बन वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये वैसे ही साफ़ रहेगा। और अब टेस्ट ड्राइव जो है वो करेंगे और वहाँ से का इन आंसर सेट कर लेते हैं। जी, ये हमने इन आंसर रखा है, 1 पे ऑन कर दिया, अभी 6-7 पे है, चला के इसको चेक कर लेंगे। अंडर पावर होगी तो छोटे नंबर पे ले आएंगे इसको, ठीक है। अंडर पावर होगी तो इसको पीछे लाएंगे, यहाँ 3-4 पे ले आएंगे। अगर सही चलेगी तो उसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये हमारी ये एनहांसर की सेटिंग, ठीक, ये इसको यहाँ रख देते हैं, बार बार इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। और ये गाड़ी का जो है वो मीटर आ गया, इतनी चली गई है।